धर्मशाला उपमंडल के तहत नरवाना के युवक की तरन तारण पंजाब में हुई संदिग्ध मौत को लेकर हिमाचल प्रदेश दीवान महासभा ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। दीवान महासभा जिला कांगड़ा के अध्यक्ष आर के दीवान ने बताया कि सभा उपायुक्त कांगड़ा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से न्याय की गुहार लगाएंगे ताकि पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय मिल सके। गौरतलब है कि नरवाना का 27 वर्षीय बिसाल पिछले कुछ समय से तरन तारण पंजाब में शराब के ठेके में नौकरी करता था। लॉकडाउन के दौरान वो घर आया था, लेकिन अनलॉक होने से शराब ठेके के मालिक ने उसे वापस बुला लिया। मृतक के पिता उपदेश के मुताबिक वो 27 जुलाई को चला गया, लेकिन 3 अगस्त से उसका फोन बंद आने लगा, जिस पर शक होने पर पुलिस चौकी योल में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इसी दौरान मालिक से पूछने पर सही जवाब न मिलने पर परिजनों ने तरन तारण पुलिस में गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिस पर विशाल का शव ठेके के समीप ही झाड़ियों में क्षत विक्षत रूप में मिला। इस पर परिजनों को शक है कि ठेके के मालिक ने ही उसकी हत्या करवा दी है। अब हिमाचल दीवान महासभा ने हिमाचल के मुख्यमंत्री से पंजाब सरकार के सहयोग से पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाकर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मेरा नाम उपदेश कुमार है, मैं आज डीसी साहिब से मिलने आया हूं। मेरा बेटा तरन तारण पंजाब में ठेके पे कार्य था और उन ठेकेदारों ने ही उसे बुलाया हुआ था और 27 तारीख को उन्होंने बुला लिया था और 5 तारीख तक हमारा उससे संपर्क होता रहा। उसके बाद हमारा संपर्क टूट गया, फोन उसका बंद आने लगा और उसको हम ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचे तो वहाँ उसका फोन 9 तारीख को 4 बजे के करीब गिल फर्नीचर हाउस के सामने समीप ऑन हुआ था, लेकिन हमने बेल पूरी गई लेकिन उन्होंने उठाया नहीं फ़ोन। उसके बाद उसका फ़ोन उसका क्षेत्र से बाहर चला गया और उस 10 मिनट के बाद फिर फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ हो गया। जब पुलिस वालों से ये पूछा गया कि आपने ये फ़ोन ऑन किया था, वो कहते हैं कि हमने फ़ोन ऑन किया था, लेकिन बेल जब गई तो पुलिस वालों ने उन फ़ोन को उठाया नहीं। पुलिस चौकी से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर वो फ़ोन ऑन हुआ था। हमने डी सी साहब से इंसाफ की मांग रखी हुई है, इंसाफ मिला जाए। कितने बच्चे थे आपके? मेरा एक बेटा था। नरवाना का जो मरेटांग नरवाना का जो एक लड़का है 25-26 साल का विशाल धीमान जिसका नाम है, वो कुछ सालों से पंजाब में ठेके पे नौकरी कर रहा था एज ए सेल्समैन की। तो कुछ सालों से जो फर्म जिसके पास काम करता था वो थोड़े दिन तो कई और स्टेशन में था, लेकिन जिस टाइम लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन पे उनको घर भेज दिया गया था और लॉकडाउन जब लगा, जब सेकंड लॉकडाउन लगा तो उन शराब के ठेकेदारों ने उसे फ़ोन करके बार बार बुलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जा रहा था। बार बार ज़बरदस्ती करने पर वो बच्चा फिर उनके कहने पर जो हुआ चला गया, लेकिन उस वक्त उसको वहाँ नहीं भेजा जहाँ वो पहली जिस ठेके पे वो नौकरी करता था। इस बार उसको लॉकडाउन सेकंड लॉकडाउन के समय उसको अमृतसर के तरन तारण में कोई शराब का ठेका है, वो शायद उसी फर्म का ठेका होगा जिसमें वो पहले काम करता था, उसमें उसको वहाँ एज ए सेल्समैन लगाया था। लेकिन उसके जाने के 4-5 दिन बाद ही जब उसका फ़ोन पे संपर्क करने लगे, जब उसके परिजन घर से जब संपर्क करने लगे तो उसका जब फ़ोन नहीं लग रहा था तो उन्हें कुछ ऐसा शक हुआ कि फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है। तो उन्होंने इस बारे योल पुलिस चौकी में एक रिपोर्ट लिखवाई और उसको पता लगाने के लिए वो पंजाब पुलिस में कोई घर के कुछ परिजन 3-4 आदमी जो है पंजाब चले गए, लेकिन जहां उन्होंने पंजाब में जब उनको इधर ढूंढने पर कुछ पता नहीं लगा तो वो पुलिस स्टेशन पंजाब के शायद अमृतसर इसके तरन तारण थाना जो है वहां पहुंचे, उन्होंने वहां पे रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद वहां की पुलिस थोड़ी सी हरकत में आई और उन्होंने जांच पड़ताल उसकी शुरू करने की तो उसको जो उस विशाल का जो शव था वो वहीं ठेके के आसपास पीछे झाड़ियों में कुछ बिखरी हुई हालत में इस तरीके से मिला जैसे उसकी किसी ने हत्या की हुई है। तो जो यहाँ से लोग गए थे उन्होंने
पुलिस में रिपोर्ट लिखो रिपोर्ट लिखवाने के बाद उसकी जांच पड़ताल तो हुई, लेकिन उसको पुलिस ने जब छानबीन करके उसका जो बुरी तरह बिखरा हुआ क्षत विक्षत जो उसका टाइप में उसका जो शव था उसको पोस्टमार्टम करवा के परिजनों के हवाले कर दिया और परिजन उसको घर में लेके आ गए। उसके बाद अभी तक उस मामले का कोई भी अता पता नहीं चला कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। अगर शायद उसके घर वाले नहीं जाते तो उसकी लाश का कोई पता भी नहीं चलता। तो हम इसी मसले पर आज यहाँ धर्मशाला डीसी ऑफिस में आए हैं और हमने पूरे गांव के लोग हमारे साथ आए हैं और हमने एक ज्ञापन जो एक हमारी जो धीमान सभा है जो जिला भर की धीमान सभा के माध्यम से हम डीसी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है हमने, क्योंकि इसी बात के लिए हमने जो ज्ञापन दिया है कि ताकि इस केस की मुख्यमंत्री तक बात पहुंचे और मुख्यमंत्री इसकी पूरी गहनता से इसकी जांच करवाए।